तरह। आओ बैठो। मेरे घुटने। देखो दादी, ऐसे जाने वाने की बात मत है। तो फिर ठीक है, अपने भतीजे को ही समझा ले, वो ही शादी कर ले। तेरे साथ रह रहे के वो भी बिल्कुल तेरी तरह हो गया है। आज तक 27 लड़कियां रिजेक्ट कर चुका है, अब वो लंदन जा रहा है ना, उसे बोल वहीं से बहू ले आए। लो लो आ गया, बिल्कुल ठीक वक्त पर आए हो। हे विड्डी, व्हाट्स अप चाचू। वैसे दादी तुम्हारे बारे में ही बात कर रही थी। ऐसे नहीं डांट के बोल। अयान, दादी चाहती कि तुम शादी कर लो। ऐसे ही कर ले, अरे डांट के बोल। देखा यान, लड़कियां जो होती है ना वो बुरी आदत की तरह होती है, इन्हें सिर्फ कुछ दिन तक अपने साथ रखो तो ही ठीक है। और सुन, लंदन जा रहा ना बिजनेस के लिए, वही करना, ये लड़की वड़की ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। यस चाचू। चाचू के बच्चे? तू चल मेरे साथ, तू जा पार्टी पे, कम से कम वहां तो तुझे लड़की मिल जाएगी। जा, तुझे तो मैं कल देख लूंगी। आयान, डार्लिंग। या मॉम? दादी तुझसे शादी की बात कर रही थी ना? यस मॉम। श्वेती, हर लड़की तेरे पीछे पड़ी है, बट जस्ट रिमेम्बर एंड मेक श्योर कि तू एक ऐसी लड़की से शादी करना जो हमारे स्टेटस की हो। हो मॉम, कम ऑन। चलो खेल खत्म। तुम्हें पता है इनकी लाइफ और हमारी लाइफ बिल्कुल अलग है। अयान नंदा जैसे लड़के सिर्फ सुपर मॉडल्स या सोशलाइट्स के लिए बने हैं, हमारे लिए नहीं। मुझे तो ऐसा लड़का चाहिए जो भले ही महीने में 15-20 हज़ार कमाता हो पर वो सीधा साधा हो। बाकी के सबने तुम नींद में देखना, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। एक्चुअली मुझे भी कल जल्दी जाना है। क्यों? अरे वो हमारी बॉस देविका मैम वापस लौट रही है बैंगलोर की डील फाइनल करके। बस 10 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट और वो आ गए। तुम्हें ये आदमी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ना? Get out. क्लीनर को बुलाओ, उसी क्लीनर जिसने इस कॉरिडोर को साफ किया है उसे बुलाओ। ये क्या है? सॉरी मैडम। तुम सॉरी मत कहना, मैं कहूंगी। सॉरी मिस्टर व्हाटएवर, लेकिन अब इस होटल को तुम्हारी जरूरत बिल्कुल नहीं है। यू आर फायर्ड। हाउसकीपिंग स्टाफ इन माय ऑफिस नाउ। सॉरी मैम। यू शुड बी। मेरे घर में रेनोवेशंस का काम चल रहा है,
इसलिए थोड़े दिन के लिए मेरी बेटी इस होटल के रॉयल स्वीट में आकर ठहरेगी। तुम सबकी जिम्मेदारी है कि वो किसी भी चीज की कमी महसूस ना करे, रिमेम्बर दैट। और उसके अलावा तुम लोगों में से दो जन हर वक्त उसके साथ रहा करेंगे और उसकी देखभाल करेंगे, एक तुम और एक तुम। जाओ रॉयल स्वीट की तैयारी करो। शनाया, हेलो डार्लिंग, तुम कैसी हो? अभी अभी तुम्हारी ही बातें हो रही थी। मैंने तुम्हारे इस होटल में ठहरने के लिए पूरा इंतजाम कर लिया है। ओके मम्मी। आय हाय हाय रब्बा, वो दिन कब आएगा जब मेरी भी तस्वीर पेज 3 पर छपेगी। जब तू रब्बा के पास जाएगी, वो भी घर वालों ने श्रद्धांजलि में छपवाई तो। यू कीप क्वाइट, ओके? मतलब रब्बा बस। हाय हाय, देखो जरा देखो, ऐश्वर्या राय की ड्रेस देखो, मनीष मल्होत्रा ने डिजाइन की है। अच्छा, लाइफ में एक बार तो मैं भी मनीष मल्होत्रा से डिजाइन करवा के रहूंगी कपड़े। तेरे नसीब में मनीष मार्केट में जाके कपड़ा खरीदना लिखा है, दूसरा कोई मनीष मिलने वाला नहीं है ना आपको। पूजा की तबीयत ठीक है ना? हाँ? क्या बात है, अभी तक सो रही है वो? हाँ, उसकी वो शाम की शूटिंग है ना, इसलिए। शाम की शूटिंग है तो फिर आएगी कब? आ जाएगी, टाइम से आ जाएगी, आप फिक्र क्यों करते हो। गोडवाले साहब नमस्कार। अरे गुप्ता जी आइए आइए। आज मैं बैठने नहीं आया साहब, सिर्फ ये पूछने आया हूँ कि आपके घर में सब ठीक है ना? जी हाँ सब ठीक है, क्या बात क्या है? अंडनी वो क्या है, कल करीब 2-3 बजे रात में मैंने पूजा बिटिया को ऑटो रिक्शे में जाते देखा। मैंने सोचा घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। क्या है कि मैं पूजा बिटिया के बारे में चिंतित था, मेरी बिटिया जैसी है ना। ए! बेटी जैसी वाली की फिकर छोड़, अपने बेटी की फिकर कर। पूजा कल रात को शूटिंग पर गई थी? जी वो रात को ना शूटिंग से अर्जेंट फोन आ गया था। और तुमने उसे जाने दिया? मैं क्या करती, बाप रिटायर हो गया है ना, उसे पूछने की जरूरत तो है ही नहीं किसी को, जिसके जो जी में आए कर सकता है। ऐसी गल नहीं है। कितनी बार कहा है कि हर आदमी को रात को 12 बजे से पहले घर में आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं, कल रात 3 बजे घर में आई है वो। हम अगर अपने शहर में होते तो 7 बजे के बाद कोई लड़की सड़क पे दिखाई नहीं देती। आप लोग इतनी आवाज क्यों कर रहे हो? I'm trying to sleep ना। कल रात तो शूटिंग पे गई थी। हाँ, वो मेरा एपिसोड अटका हुआ था। एपिसोड एपिसोड एपिसोड, ये तमाशे तुम लोग अपने सीरियल में दिखाते होगे, लेकिन मैं अपने घर की इज्जत का तमाशा नहीं बना सकता। समझे तुम? कोई जरूरत नहीं नौकरी करने की। तो मैं और क्या करूंगी? करूंगी मतलब घर में बैठो, खाना पकाओ, अपनी माँ का हाथ बटाओ। ये सब करने के लिए मैंने इतनी पढ़ाई नहीं की, ओके? और मैंने भी जिंदगी भर इसलिए काम नहीं किया है कि मेरी बेटियां रात रात भर घर से बाहर रहे। कितना समझाया था मैंने, कोई अच्छी सी पढ़ाई कर ले, IIT कर ले, इंजीनियर बन, डॉक्टर बन, IAS ऑफिसर बन। अरे अगर तू एक छोटे से होटल में एक वेटर की नौकरी भी कर लेती तो मुझे चल जाता। मुझे नहीं चलता ना, मैं मीडिया में काम करना चाहती हूँ, अपना नाम कमाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि पैसों के साथ साथ लोग मेरा काम देखें, मुझे अप्रिशिएट करें, मेरी तारीफ करें। हाँ, करें तारीफ। वो गुप्ता तारीफ करके गया ना, पूछ अपनी मम्मी से, बहुत तारीफ करके गया है वो। अरे सीखो सीखो उस कन्या से सीख कुछ। छोटा सा काम कर रही है लेकिन घर की इज्जत पे आंच नहीं आने दी। और एक तू एक। और मैं क्या? मैंने क्या गलत किया है? आप प्लीज मुझे नहीं सुनाइए, ओके? जब आपका भाई हमें चीट कर रहा था ना, उस समय आपने कुछ नहीं बोला, और अब आपकी वजह से हम सड़ रहे हैं। चुप! एक झाप मार दूंगा कि तू ये नौकरी नहीं करेगी। बस मैं ये नौकरी करूंगी, बस। देख लिया कैसे जबान लड़ा रही थी। कह देना अपनी लाडली से, या तो ये नौकरी छोड़ दे या फिर रात का ये देर से आना जाना बंद।
मामा, I'm so sorry. मुझे इतनी बदतमीजी से नहीं बात करनी चाहिए थी. और आप भी देखिए ना, वो हमेशा मुझे कन्या से कंपेयर करते हैं. मैं मानती हूँ मैं कन्या जितनी अच्छी नहीं हूँ, लेकिन इतनी बुरी भी तो नहीं. मुझे 9 to 5 जॉब नहीं होता. अगर मैं कुछ और करना चाहती हूँ तो इसमें क्या गलत है? कुछ गलत नहीं है. ना तू गलत है, ना तेरे पापा गलत है. तू तो बस आसमान में उड़ना चाहती है, और तेरे पापा वो अपनी जड़ों से बंधे हुए हैं. मैं तुझे एक बड़े पते की बात बताती हूँ बेटा. जब भी हर माँ अपने किचन में रोटियां बेलती है, अपने घर में झाड़ू पोछा लगाती है, तो उसके मन में बस एक ही बात होती है कि हाय रब्बा, मेरी बेटियों को ये समझौता ना करना पड़े. मैं भी चाहती हूँ तेरे सपने पूरे हो, पर मैं ये नहीं चाहती बेटा कभी भी तेरे पापा का सर झुके. नहीं मॉम, प्लीज ऐसा नहीं होगा. अगर अपने पापा से फिर से ऐसी बात की ना, तो मैं तो तुझे घर से ही नहीं निकलने दूंगी. बस प्रॉमिस कर, तेरे काम की वजह से तेरे पापा पर कभी उंगली ना उठे. आई प्रॉमिस यू. ओके, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिसकी वजह से कोई भी उंगली उठा पाए पापा की तरफ या आपकी नजर नीचे हो. मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ. तभी तो मैं अपने बच्चे के साथ हूँ. चल चल, अब सो जा. भी रात को तेरी सुहाग रात है ना. हाँ, सुहाग रात क्यों? तेरे सीरियल में तेरे हीरो हीरोइन की सुहाग रात नहीं है? ओ हाँ, नहीं वो हीरोइन का तो हमने एक्सीडेंट करवा दिया था ना, तब वो फेस बदल कर वापस आएगी. ले फिर वही पुरानी बोरिंग सी स्टोरी. मामा इट वर्क्स ऑन टीवी. तेरी हीरोइन जाती है ना, जाने दे, लेकिन वापस लाते समय माप तोल के ही लाना. पिछले टाइम जो गई थी, जाते समय टैंकर था, ओबड़ा बदल के आई तो साइकिल बन गई, वो भी बच्चों वाली. मैम ये आपकी और शना मैम के लंदन के टिकट्स. एक प्रॉब्लम थी मैम. मैम ब्रोकर ने कहा कि कल कोई पार्टी आ रही है, पुणे के प्रॉपर्टी के लिए डील करना. पार्टी कौन है? मैम ये तो ब्रोकर ने बताया नहीं. आयन, आयन तुम अब लंदन नहीं मुंबई जा रहे हो. तुम्हारा मुंबई जाना बहुत जरूरी है. लेकिन हमें लंदन जाना बहुत जरूरी है. आई अंडरस्टैंड मैम, मगर हमारी जो पुणे वाली प्रॉपर्टी है वो सनाया मैम के नाम पर है, और उनके सिग्नेचर के बिना ये डील होना बहुत मुश्किल है, इसलिए उनका बॉम्बे में रहना बहुत जरूरी है. ये होटल की डील हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं तुम्हें 4 दिन के बाद वहाँ पर ज्वाइन करूंगा. ओके चाचू. मैं शनाया को अयान नंदा से मिलाने लंदन ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि 1,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक है वो. अगर कल को उसको मेरी बेटी पसंद आ गई तो 1,000 करोड़ का मुनाफा. और अगर मैं ये छोटी मोटी डील के लिए शनाया के साथ मुंबई में रह गई, शायद दिल्ली के वो बिल्डर्स 100 करोड़ की मेरी प्रॉपर्टी खरीद लें, तो फिर 100 करोड़ की प्रॉपर्टी बेचकर 100 करोड़ का मुनाफा, या फिर 1,000 करोड़ के लड़के से बेटी की शादी कराकर 1,000 करोड़ का मुनाफा. दोनों डील्स में मैं कुछ भी नहीं खोना चाहती हूँ, नुकसान छोटा ही क्यों ना हो. लेकिन नुकसान तो नुकसान ही होता है ना. अब प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है, शनाया का लंदन में होना बहुत जरूरी है, और उसे यहाँ भी होना बहुत जरूरी है. So what am I going to do? Yes, अगर यहाँ किसी को शनाया बनाकर, now there is a plan. लेकिन ये बता, इतने सारे कपड़े, यहाँ कोई फैशन शो होने वाला है क्या? नहीं, ये सारे कपड़े मैडम की बेटी शनाया के हैं, जो खुद किसी मॉडल से कम नहीं है. हम साल भर में जितने कपड़े खरीदते हैं उतने तो वो एक दिन में बदलते हैं. यू नो व्हाट, सच प्रिटी ड्रेसेस यार. कन्या, 65,000 की ड्रेस. रिया प्लीज यार, कोई आ जाएगा, समझ. अरे तू डर क्यों रही है? यू नो व्हाट, ये बड़े डिजाइनर्स है ना, बहुत लूटते हैं. 1500, सिर्फ 1500 में मैं ऐसा सेम ड्रेस बनवा सकती हूँ. क्या बात करिए यार, वो कैसे? सिंपल है यार, होलसेल मार्केट में जाओ, अपने बाबू भाई की दुकान है, सेकंड का सारा माल एकदम ओरिजिनल जैसा.
मैं कल सीधा बाबू भाई के पास जाऊंगी और ऐसा सेम कपड़ा खरीदूंगी। एंड डिजाइन है ना? अरे हाँ, डिजाइन तो याद ही नहीं रहेगा। मैं चली, तू करती रह। कन्या, यू नो व्हाट, ये ड्रेस तुझे बिल्कुल फिट आएगी। रिया प्लीज, कोई आ जाएगा, प्लीज एक फोटो। मैं नहीं पहनने वाली हूँ कपड़े, प्लीज। इतना क्यों डरी, कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी, एक फोटो। चल मैं इसे ऊपर ही पहन लेती हूँ यार। हेलो, मुझे ड्रेस बनवानी है, भोजपुरी पिक्चर के पोस्टर्स नहीं छपवाने। प्लीज बेस्ट फ्रेंड ना, प्लीज एक बार, प्लीज एक एक बार, प्लीज। चल चल ठीक से, एक एक। रिया नहीं यार, प्लीज मैं नहीं खींचूंगी। डर क्यों रही है? रिया कोई आ जाएगा। ना ट्रस्ट मी। रिया प्लीज यार। कन्या प्लीज, और ये स्टोल हटाना। नहीं नहीं, ये फुल बैकलेस है, मैं नहीं ऐसा पहनूंगी। अरे नहीं, ये लोग में से जो कपड़ा बचता है उसकी तो लोग स्कर्ट बनाते हैं। बस कर, स्माइल करेगी। अच्छा एक बार ऐसे खड़ी रहे एंड यहाँ पर देख के स्माइल कर प्लीज। या नहीं, इन माय ऑफिस इसी वक्त। Come in. I'm sorry, ma'am. गलती मेरी है, मुझे इस होटल में काम करने का कोई हक नहीं। मैम मैं इसी वक्त रिजाइन कर रही हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें एक और मौका दे रही हूँ। लेकिन इस बार तुम्हें इस होटल में एक हाउसमेड की हैसियत से नहीं रहना है, बल्कि मेरी बेटी की हैसियत से रहना है। अगले 7 दिनों तक तुम्हें ये नाटक करना होगा कि तुम कन्या गोडबोले नहीं हो, एक्चुअली मेरी बेटी शनाया खेर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.